हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। बिग बॉस 15 से लेटेस्ट बहुत ही बड़ी, बहुत ही आप कह सकते हैं बड़ी खबर न्यूज़ सामने आ रही है, और यह है एलिमिनेशन को लेकर के। आपको याद होगा कि वीकेंड के वॉर पे कोई भी घर से बेघर नहीं हुआ था, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सरप्राइज़ दिया गया था कि दशहरे के दिन कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आज जो न्यूज़ सुनने को मिल रही है वो सभी फैंस को, मुझे लगता है, एक दुखी कर देगी। अब हम सभी को पता है कि घर के अंदर कुछ कंटेस्टेंट ऐसे थे जो कि बहुत कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ कंटेस्टेंट को बिग बॉस ने, ऐसा नहीं है कि वोटिंग के जरिए, कोई जनता की वोटिंग के जरिए नहीं, घर से बेघर कर दिया, घर के अंदर ही वोटिंग करवा के। अब आपको क्या लगता है, क्या ये फेयर है? चलिए आपको पहले मैं बता दूं कि कौन कौन वो कंटेस्टेंट है जिनको घर से बाहर कर दिया। नंबर वन, जिनकी कहीं ना कहीं बातचीत हाल ही फिलहाल में हो रही थी, किसके साथ? उमर के साथ और भी काफ़ी कंटेस्टेंट के साथ, जिनका नाम है डोनल। जी हाँ दोस्तों, डोनल, जो कि कहीं ना कहीं वीकेंड के वार पे भी काफ़ी चर्चा इनकी रही, और जो घर के अंदर गेस्ट भी आए थे उन्होंने भी कहा था कि भाई तुम दिखाई नहीं देती, बिग बॉस ने घर के अंदर से जो है इन्हें बेघर कर दिया है। शॉकिंग है कि भाई कैसे पब्लिक के वोट्स के बिना आप किसी को बाहर कर सकते हैं। चलिए, हमने पहले भी देखा है, पहले के सीज़न में भी ऐसा हुआ है। फिर अगर मैं आपसे बात करूँ तो आक्षा, जी हाँ दोस्तों, ये भी घर से बेघर हो गई है। इनकी जोड़ी प्रतीक के साथ बन रही थी, प्रतीक और ये ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते थे, अच्छी खासी दोस्ती भी हो रही थी, लेकिन ये भी अब घर से बेघर हो चुकी है जितनी की न्यूज़ सामने आ रही है। वेल, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, इन दोनों का बिना पब्लिक के वोटिंग के बजाय घर से बेघर हो जाना क्या आपको सही लगता है, या फिर आपको भी लगता है कि नहीं पब्लिक की वोट ज़रूरी थी? वेल, चलिए, बिग बॉस है, कुछ नहीं कहा जा सकता, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, सारी की सारी गेम बिग बॉस ही चलाते हैं। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।